हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये वाला मेकअप लुक। इस आई लुक को आप अपने किसी भी ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ में पेयर कर सकते हैं। आप कोई ब्लैक कलर की साड़ी पहनते हैं या फिर गाउन या फिर सूट, कोई भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रहे हैं तो आप इस तरीके का आई मेकअप कर सकते हैं। ये आई मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये आई लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मेकअप करने से पहले हमेशा क्लीन करना होता है, तो मैं अपने फेस को आज यहाँ पे एलोवेरा के ये वेट वाइप्स हैं उससे अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था बट स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से मैं दोबारा से वेट वाइप की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ अपने पूरे फेस को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे एक यहाँ पे छोटा सा पिंपल हो गया था जिसके मार्क्स रह गए हैं मेरी स्किन के ऊपर, मतलब फेस पे। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद में यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने टोनर, ये गुड वाइब्स का टोनर है। तो टोनर अप्लाई करने से ना आपका जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहता है, प्लस आपके जो ओपन पोर्स हैं वो धीरे धीरे ब्लर हो जाते हैं, एक तरीके से वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे टोनर को ज़रूर यूज़ किया करिए, चाहे आप मेकअप करें या ना करें। इसके बाद में क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ना कोई भी ऐसा हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पतंजलि का एलोवेरा लिया है, ये एलोवेरा को मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एलोवेरा अपने आप में स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है, प्लस ये प्राइमर का भी काम करता है, तो अगर आप प्राइमर ना भी अप्लाई करें तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन बेस प्राइमर जो होते हैं वो आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देते हैं, आपके जो फेस पे फाइन लाइंस वगैरह होती हैं उन पे ये जाके बैठ जाते हैं और आपके स्किन को एक अच्छा सा स्मूथ बेस देते हैं मेकअप के लिए। इसके बाद में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन को सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से वार्म कर लिया था अपने हैंड पे, उसके बाद में डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद में एक ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, मतलब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये ना तो ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है। तो इस तरीके का ब्लेंडर लेके आप अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जो फाउंडेशन है। और इसके बाद में आज हम यहाँ पे कोई कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मैं आपके साथ मेकअप शेयर कर रही हूँ ना ये बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ में है। अगर आपको इस भयंकर गर्मी में कहीं पे भी जाना है मेकअप करके ना, तो ऑब्वियसली आप कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना करें वो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वो वैसे ही सब कुछ ख़राब हो जाना है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करें, इससे क्या रहेगा कि आपको मतलब मेकअप ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपने जो हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं ना, तो उसके लिए मैंने अगेन थोड़ा सा लिया है फाउंडेशन और उसी को मैंने अपने फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे और ब्रिज ऑफ दी नोज़ पे और अपने लिप्स के अराउंड में मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करके और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने थोड़ा सा उसको इवन आउट कर दिया है ताकि उसमें पैचेस ना रहें बस। इसके बाद में अब मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट और उससे अपने पूरे फेस को मैंने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में ना स्वेटिंग की वजह से आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। इसके बाद में मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर मास कॉस्मेटिक का फेस पैलेट। अपने पूरे फेस को मैं एक डायमेंशन देने के लिए मैंने सबसे पहले अपने फेस पे कॉन्टोर अप्लाई किया है। जो कॉन्टोर होता है वो अपने चिक एरिया पे और मतलब चिक बोन पे होता है और आपके नोज़ को कॉन्टोर करना होता है, फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए हम करते हैं अप्लाई। तो मैंने अपने पूरे फेस पे कॉन्टोर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लिया है और ब्लश के बाद में मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। हाइलाइटर बिल्कुल मिनिमम रखना है आपको, जितना कि आपको पसंद हो। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आज लिप्स को भी कॉन्टोर किया है जिसके लिए मैंने आईब्रो पेंसिल लिया है ब्राउन कलर का और उसी से अपने लिप्स को मैंने डिफाइन कर लिया है, एक तरीके से मैंने कॉन्टोर कर लिया ताकि जो लिपस्टिक का शेड रहे वो अच्छा लगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। उससे पहले मैंने अपने फेस को अपने जो ब्राउज़ है ना उनको मैंने फिल कर लिया है मैजिक फ्लावर के जेल आईलाइनर से, ब्राउन शेड का था, बिल्कुल थोड़ा सा लेके मैंने दोनों ब्राउज़ को फिल कर लिया है क्योंकि गर्मी है ना तो जेल आईलाइनर फैलते हैं, तो इस वजह से मैंने हल्का सा लेके बस उसको डिफाइन किया है। इसके बाद में मैंने लिया है रोज़ इन द ईयर का वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द ईयर आई शेडो पैलेट और उससे मैंने हल्का सा ब्राउन शेड लेके पहले अपनी क्रीज को मैंने बिल्ड कर लिया है। इसके बाद में थोड़ा डार्क ब्राउन लेके मैंने आउटर वी पे प्लेस किया और उसको ब्लेंड कर लिया।
इसके बाद में आउट ऑफ व्यू को थोड़ा और इंटेंसीफाई करने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो लिया और उसको हल्का हल्का सा मैंने आउट ऑफ व्यू पे प्लेस कर लिया। अब जो रह गया पोर्शन है मेरा, मतलब इनर वी से लेकर मिड ऑफ द पोर्शन जो मेरा लिड का है, वहाँ पे मैंने मास कॉस्मेटिक का ग्लिटर आई शेडो पैलेट लिया है। ये प्रेस्ड ग्लिटर है, बहुत अच्छे वाले ग्लिटर हैं ये। इसमें मैंने ये शिमर क्या बोलेंगे सिल्वर आई शेडो को लिया है, आई शेडो नहीं सॉरी ये जो शिमर है, और उसको अपने फिंगर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ शाय स्टाइल का मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो यहाँ पे मेरा लुक हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरा ये लुक जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो लुक है ना, ये आप अपनी किसी भी समर के फंक्शन में, मतलब इतनी गर्मी में अगर कोई फंक्शन है तो आप उसमें ये क्रिएट कर सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा ये लाइट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, और देखने में भी सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।